Hello and good morning everyone. In this session, we are going to start the new topics from chapter number 3, Business Services 2. That is e-banking, core banking and mobile banking. Now let's see first topic e-banking. Now what do you mean by e-banking? E-banking means electronic banking. Its full form is electronic banking. Now here when banking is done through the electronic process, electronic equipments like computers, laptops, by using internet, it is known as e-banking. Now we'll see that there are three phases of e-banking. Traditional process, connecting computers from network and uses of internet. सबसे पहले है traditional process. तो what do you mean by this? Traditional process में क्या होता था पहले बहुत सारा पहले जो computers, laptops, internet कुछ facilities available नहीं थी. उस टाइम पे बैंकिंग का काम कैसे चल रहा था बाय जस्ट कीपिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स इन द अकाउंट्स बुक. जो अकाउंट्स बुक होती है उसमें सब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, उनको अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो ध्यान रखते हैं, ऑडिटर्स कम एंड चेक द अकाउंट, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर एंड एवरीथिंग इज नीडेड. सब कुछ वहाँ पे फिजिकली वर्क होता था, नॉट विद द हेल्प नॉट द ऑनलाइन वर्क. Nothing is done, nothing was done with the help of computer or internet. But now that was the that traditional process is not available, it means not used nowadays. Because computers, laptops, internet facilities, everything is available and all the transactions are done online. So ये traditional process वो बहुत सारा पहले थी. अब है next phase, connecting computers through internet. So as and when computer was invented, then internet facilities have become available. तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स जितने भी थे वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो गए. कैसे? तो एक ही ब्रांच के, एक ही बैंक के जितने भी कंप्यूटर्स थे वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे. सपोज इन अ बैंक देयर आर 10 कंप्यूटर्स, सो ऑल दोस कंप्यूटर्स वर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड द मेन कंप्यूटर वाज कॉल्ड सर्वर. तो सर्वर से इंटरनेट वहाँ पास हुआ था और सभी कंप्यूटर्स में एक ही ब्रांच में सब जगह पर इंटरनेट पहुँचा था. एनी वन एनी पर्सन कैन डू द वर्क फ्रॉम एनी कंप्यूटर. ऐसा नहीं कि आज एक कंप्यूटर में बैठे तो वो का दूसरे कंप्यूटर में बैठेंगे तो फिर उसमें वर्क नहीं आएगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस बिकॉज ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ऑल द वर्क एंड इन्फॉर्मेशन आर अपडेटेड इन ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स. सो यर ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क. इवन द मैनेजर कैन चेक द ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स एंड एवरी पर्सन वर्किंग इन द बैंक. एंड द थर्ड फेज इज द करंट फेज, यूजर्स ऑफ इंटरनेट. अब यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गए, इंटरनेट ट्रांजेक्शन हो गए, एवरी वर्क इज डन ऑनलाइन. अब इंटरनेट की वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे यू नो देयर इन देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन अ बैंक. जो मेन ब्रांच होती है मेन बैंक, उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. तो यहाँ और जितने भी ब्रांचेस हैं वो सब मेन बैंक से कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल SBI, देर आर 2 or 3 ब्रांचेस इन पोरबंदर. तो ऑल द अदर ब्रांचेस आर कनेक्टेड विद द मेन बैंक. तो जो ब्रांचेस जितने भी होते हैं उनमें जो भी वर्क होता है वो मेन सर्वर को मेन बैंक में पहुंच जाता है. तो ताकि जो मेन बैंक के मैनेजर है वो अपने ब्रांचेस के मैनेजर को बोल सके कि भाई ये चेंजेस की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम है आपके वर्क में, वट एवर, या फिर कोई अच्छा वर्क है तो आपको सजेशन दे सके. ऑल द इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द कंप्यूटर व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. So here, internet uses the third phase is currently working in our country and with the help of this phase, ये जो phase अब शुरू हुआ तब से हमारे country में ये online banking की transactions एकदम फटाफट हो रहे हैं. तो frauds and everything is done but security transactions भी साथ में होते हैं. सिक्योरिटी भी बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं, OTP देते हैं, पिन देते हैं, ट्रांजेक्शन ID देते हैं, लॉगिन पासवर्ड, साइन अप पासवर्ड, एवरीथिंग इज बी गिवन बाय द बैंक. नेक्स्ट इज कॉल बैंकिंग. कॉल, अब उसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. देयर इज एनीवेयर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है तो कोई भी जगह से ऑपरेट हो सकती है, कोई भी जगह पर एक्सचेंज हो सकता है. दैट इज द यूज ऑफ मैच. जैसे ही मैंने बोला कि ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द मेन ब्रांच विद द मेन ऑफिस, तो जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें कोई भी वर्क है. ऐसा नहीं कि भाई मेरी ब्रांच MG रोड पे है तो मैं सुदामा चौक में जो ब्रांच है वहाँ पे नहीं जा सकती, वहाँ पे वर्क नहीं कर सकती. आई कैन इवन वर्क फ्रॉम देट, आई कैन डिपॉजिट मनी इन दैट ब्रांच, आई कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम दैट ब्रांच, बिकॉज ऑल द ब्रांचेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. दैट इज कॉल्ड कोर बैंकिंग. एंड
मेन बैंक है उनमें सब कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट रहती है. द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी एनीवेयर इन द ब्रांच एंड दे कैन विथड्रॉ इन एनी ब्रांच. कोई भी ब्रांच से विथड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई भी ब्रांच में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी है कुछ भी है, दे कैन गो इन एनी ब्रांच एंड कंप्लीट देयर वर्क. एंड द थर्ड वन इज मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल बैंकिंग नाउ इज एवरी वन आर यूजिंग मोबाइल बैंकिंग. इवन द स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन से लेकर इतने लाइक बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिग बिजनेसमैन, एवरीवन यूजेस मोबाइल बैंकिंग बिकॉज नाउ नो नीड टू गो टू द बैंक. नो देयर इज नो नीड टू गो टू बैंक फॉर द प्रोसेस. इवन फिक्स्ड डिपॉजिट करना है घर में बैठ के, लोन लेनी है, अरे कुछ प्रोसीजर करनी है, हमें देखना है कि चलो हमारे पास इतने मंथ में नहीं पड़े हैं तो हम कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें, फिक्स्ड डिपॉजिट टर्म है, रेकरिंग डिपॉजिट टर्म में, या फिर पोस्टल सर्विसेज में डिपॉजिट करें, कुछ भी लेना है तो बस एक ऐप डाउनलोड करो बैंक की एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन की चलो मैं 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करूँ तो एक साल में उसका इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा, 2 साल में कितना मिलेगा. ऑनलाइन पेमेंट हैज बीन स्टार्टेड, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, भीम ऐप है, मैनी मैनी एप्स आर अवेलेबल. सो दैट इज कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग. ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू मोबाइल एंड दैट इज नोन एज मोबाइल बैंकिंग. इट्स वेरी इजी प्रोसीजर. विड्रॉ मनी इवन यू कैन कहीं पे कहीं कोई भी जगह पे पेमेंट करना है यू कैन डन, यू कैन डू इट ऑनलाइन. हमारे ऑटोमेटिकली जो यूज करते ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में से मनी डेबिट हो जाएगा और सामने वाले के अकाउंट में मनी क्रेडिट हो जाएगा. सो मोबाइल बैंकिंग इज नाउअडेज यूज बाय एवरीवन. इवन मैं अगर मेट्रो सिटीज में जाऊँ तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, फेरी वाले होते हैं, उनके पास भी पेटीएम होता है, उनके पास भी गूगल पे वगैरह होता है. तो वो जो उनका क्यूआर कोड है उनको कोड को स्कैन करेंगे एंड दे विल गेट द मनी इन देयर अकाउंट. सो दैट्स हाउ मोबाइल बैंकिंग इज देयर एंड यू कैन सी स्टार्टिंग ट्रेडिशनल प्रोसेस स्टार्ट करके कंप्यूटर प्रोसेस यूज ऑफ इंटरनेट कॉल बैंकिंग से लेकर मोबाइल बैंकिंग एज अ कैन गो वन स्टेप अहेड. You will find that technology is increasing day by day. So that's all.